कैसे हो आप लोग फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आप लोग भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ऐसा बहुत से व्यक्ति हैं जो सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं और ये वीडियो पर्सनली सैमसंग के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो लॉक हो चुका है तो उसको अनलॉक कैसे करते हैं। फ्रेंड आप लोग कभी सोचे हो कि आपका फ़ोन लॉक कैसे हो जाता है, अनलॉक क्यों नहीं हो पाता है? जब आप अपना फ़ोन का पासवर्ड भूल जाते हो, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फ़ोन लॉक हो चुका है और इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। आप अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक लगाए हैं या पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, ये तीनों लॉक इस प्रोसेस से टूटेगा। आपका फ़ोन जबकि सर्विस सेंटर में आप ले कर जाते हो, अपना फ़ोन सर्विस सेंटर में ले कर जाते हो, सर्विस सेंटर में आप अपना फ़ोन देते हो, आपका फ़ोन अनलॉक मिलता है, लेकिन आपके फ़ोन का एक भी डेटा सेफ नहीं रहता, ये बात आपको अच्छे से पता है। सर्विस सेंटर वाले डाटा को डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये मेरा वीडियो आप अगर एंड तक देखोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे आपको अपना सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी विदाउट डाटा लॉस करना है। आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा फ्रेंड, आप सच सुन रहे हो। आप सर्विस सेंटर जाते हो, सर्विस सेंटर में पैसा देते हो, समय देते हो, आपका डाटा भी अप्रोक्स दे ही देते हो। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आपको अपना डाटा सेफ रखना है। तो आइए फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि ऐसा मोबाइल से अनलॉकिंग वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचता रहे। फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करोगे तो आपको नीचे इमरजेंसी कॉल दिखेगा, इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा ऐसे। जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने आप देख सकते हो एक न्यू डायलेट खुल रहा है। इस न्यू डायलेट में आपको एक छोटा सा कोड देना है फ्रेंड, जो कोड मैं पहले आपको अप्लाई कर देता हूँ। 369#, यही वो कोड है फ्रेंड जिस कोड को हम लोग ऑफलाइन मूड कोड बोलते हैं। इस कोड को आपको 5 टाइम कॉल करना है। क्यों कॉल करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इस कोड का वर्क होता है फ्रेंड कि आपके फ़ोन के अंदर का जो भी डेटा हो, ऑडियो वीडियो इमेज वगैरह वगैरह, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, वो सब का सब ये कोड कैप्चर कर लेता है और डिलीट नहीं होने देता है। इसीलिए इस कोड को आपको 7 टाइम कॉल करना है ताकि ये कोड अपना काम कर सके। सॉरी ये 0 को हटा दीजिएगा और 7 टाइम कॉल कैसे कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, वो प्रोसेस सर्विस सेंटर वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप लोग अपना फ़ोन खुद से अनलॉक करो। अगर आप खुद से अनलॉक करने लगोगे तो उनके पास जाएगा कौन। इसीलिए फ्रेंड ये प्रोसेस आप ध्यान से देखना और आप सीखना फ्रेंड कि कैसे आपको अपना सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है। इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा, डायरेक्ट मत हटाइएगा फ्रेंड, एक एक करके हटाइएगा और *#899# पे क्लिक कीजिएगा। *#899# पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का दृश्य आएगा। तो इंजीनियर मोड नाम का पेज खुलेगा, आप 4th नंबर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा मैनुअल टेस्ट पे, और फर्स्ट पेज छोड़ के 2nd पेज पे आइएगा और जायरोस्कोप खोजिएगा, यहाँ पे है जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कीजिएगा और जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट है उस पर क्लिक कीजिएगा। यदि यहाँ पास आ गया फ्रेंड तो तुरंत आपके सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में होम बटन होगा, होम बटन पर क्लिक कीजिएगा। यदि होम नहीं है तो स्वीपअप का ऑप्शन है तो स्वीपअप कीजिएगा, तो आपका फ़ोन देखिएगा अनलॉक मिलेगा और वही विदाउट डाटा लॉस मिलेगा। तो आइए फ्रेंड हम देखते हैं, यहाँ पे जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पास हो गया फ्रेंड। आपको यहाँ पे अगर पास ना दिखे, फेल दिखे, तो आप कंटिन्यू ट्राई करते रहना। आप कंटिन्यू ट्राई करते रहोगे तो फ्रेंड पास आएगा। जैसे ही पास आए होम बटन पे क्लिक कर देना फ्रेंड, जैसे मैंने किया है, ठीक इसी प्रकार आपका भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक मिलेगा और टोटल का टोटल डॉक्यूमेंट सेफ मिलेगा। आप देख सकते हो फ्रेंड किस फ़ोन का एक भी डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं हुआ है। यदि आप सर्विस सेंटर गए होते पैसा लगता, समय लगता और ये डॉक्यूमेंट भी आपका लग जाता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा डिलीट कर देते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और यदि आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड, ताकि आपका मैं कुछ मदद करूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।